ये लोकल रेडियो स्टेशन हमवतन इन कोपेनहेगन का, यहाँ आप इसके में अंदर आ गए बिल्डिंग के, और अब ये इसका कंट्रोल रूम है यहाँ पे, और इसके कंट्रोल रूम का पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे ये इस तरह इसके सारे सप्लीमेंट और चीज़ें वगैरह यहाँ पे पड़ी हुई हैं जो ये इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे ये पूरा इनका कंट्रोल रूम है, यहाँ से इसको कंट्रोल करते हैं ये, और यहाँ पे ये इनका सारा ऑपरेटर्स पड़ा हुआ है। ये यहाँ पे ये इसको जो सेटिंग यहाँ इन्होंने की हुई है, और यहीं से ये इसको कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारे जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं मशहूर और मारूफ कुरैशी साहब, बासी कुरैशी इनको कहते हैं, पॉपुलर है। तो ये बैठे हुए हैं यहाँ पे, अस्सलाम वालेकुम बादशाह साहब बैठे हुए हैं, प्रोग्राम है उनका भी, तो एक दो मिनट बादशाह साहब आपके लूँगा जरूर प्लीज़, क्योंकि आप फिर उसके बाद आपने अपना प्रोग्राम करना है। स्टूडियो में आए हुए हैं ये, तो आए हुए थे तो इनसे मुलाकात भी हो गई, तो इनके पास ये स्टूडियो यहाँ इनका है, और ये अब बादशाह साहब अपना प्रोग्राम करेंगे जो हर संडे किया करते हैं, और उसकी तैयारी भी उन्होंने ज़बरदस्त कर ली है। तो इनसे क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे क्योंकि हमने उन्हें प्रोग्राम करना है। तो शुक्रिया कुरैश साहब, कंट्रोल रूम है यहाँ पे रेडियो हम वतन, जो हमारा प्यारा सा पाकिस्तान का लोकल रेडियो स्टेशन है, और रज़ा मुस्तफ़ा साहब जो कंट्रोल अथॉरिटी है यहाँ के, ये आ गए हैं यहाँ पे रेडियो हम वतन को, तो ये अब अपना नया प्रोग्राम एक शुरू कर रहे हैं। ये इनका कंट्रोल का सारा सिस्टम है, तो इसको ये कंट्रोल करते हैं और अब ये शुरू कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में आपके मेजबान, इसके बाद मैं इनसे देखूंगा कि जैसे बात हो सकेगी तो फिर इनसे बात करेंगे। मैं भी अब स्टूडियो के अंदर आ चुका हूँ, बाहर से तो आपको मैंने बिल्डिंग दिखाई थी, पता भी चल जाएगा। वीडियो तो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ही होती है। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको ये इसमें इंटरेस्टिंग लगता है? जी 1985 में जो है बड़े भाई ने शुरू किया था, तो उसके बाद वाले साहब और उनके साथियों ने जो है उसको चलाते रहे जी। तो 2002 यानी कि 11 सितंबर के बाद जो हादसा अमेरिका में हुआ था जी, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मीडिया की कितनी पावर है, कि मीडिया जो है वो क्या कर सकता है। तो मुझे ये अगले साल 2022 में, नहीं बल्कि 2023 में जो है वो मुझे 20 साल हो जाएंगे रेडियो करते, तो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, और मैं समझता हूँ कि अगर हम हमारी कोई एक बात किसी को अच्छी लगे या उस पर अमल करें या उनके लिए मुफीद हो किसी हवाले से भी कोई इंफॉर्मेशन हो, तो मैं समझता हूँ कि हमने अपना जो है वो काम जो है वो कर दिया जी। अब वैसे तो ये काम बहुत हार्ड है, आप लोग तो देख रहे हैं और बात कर रहे हैं, लेकिन जो काम करने वाले हैं उसे पता है कि काम कैसे किया जाता है, और यहाँ पे पाकिस्तान का पाकिस्तान की तरह सिस्टम नहीं है। यहाँ पे डेनमार्क में, ये खासतौर पे कोपेनहेगन में, आप अगर कोई 15 मिनट अपने लगाएंगे तो उसके 100 करोड़ आपको चार्ज होते हैं, या आप वो कमा सकते हैं। 10 मिनट कहीं लगाएं तो आप 100 करोड़ अर्न कर सकते हैं, यानी कमा सकते हैं। तो यहाँ जो अपने प्रोग्राम मुख्तलिफ लेके आती है, बादशी साहब का जो प्रोग्राम है बादशी के संग, अभी जो हमने वाइंड अप किया वो जनाब नसर मलिक साहब के साथ करते हैं, और वो प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको तमाम लोग जो हैं बहुत पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें आपको डेनमार्क के हवाले से खबरें और इंटरनेशनल और पाकिस्तान के हवाले से तबसरे जो हैं वो सुनने को मिलते हैं। तो वो एक हर इतवार को आते हैं यहाँ पे 1 से 2 बजे और अपना प्रोग्राम करते हैं, बहुत ही आसान और खूबसूरत तरीके से लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुँचाते हैं। उसके अलावा जो है शौकत साहब हैं, वो अपना प्रोग्राम करते हैं मुतफरकात, मुख्तलिफ टॉपिक लेके, ख़ास तौर पर इकबालियात पर जो है वो प्रोग्राम करते हैं। इसी तरह हमारा एक प्रोग्राम है सोच हुमाहा, जो है वो मुख्तलिफ टॉपिक्स पे मोटिवेशनल के लोगों को किस तरह मोटिवेट किया जाए खुश रहने में, तंदुरुस्त रहने में, स्ट्रेस के हवाले से, यानी बहुत से मुख्तलिफ से टॉपिक हैं
जो उन्होंने डिस्कस किए हैं हमेशा हमें कुछ ना कुछ सोचने पे जो है वो मजबूर करती हैं। इसी तरह लाला रजाक साहब हैं, वो भी हेल्थ के हवाले हम शुरू किए थे। कोरोना की वजह से जो है वो कुछ लोग जो हैं वो अभी नहीं आ रहे। इंशाल्लाह जैसे ये कोरोना जो है ख़त्म होगा, हमारी जो टीम अभी प्रोग्राम नहीं कर रही वो वापस जो है वो आएँगे और हम मिल के जो है दोबारा उसको उनको शुरू करेंगे। बहुत नाइस बंदे, पहले मेरे मैं इनसे कभी नहीं मिला, हालांकि काफ़ी अरसे से ये भी रह रहे हो और मैं भी रह रहा हूँ, मैं इनसे कभी नहीं मिला और पहली मुलाकात मेरी हुई उनसे तो लास्ट वीकेंड, उसमें मैंने इनसे बात बात की, तो मुझे बहुत नाइस पर्सन हैं ये और अपने काम में ज़ाहिर है बहुत हार्ड काम है, ये आसान काम नहीं है। आप लोग तो देख रहे हैं ये बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया कि 5-6 घंटे या 7 घंटे या 8 घंटे, उसके लिए तकरीबन 2-3 हज़ार करोड़ आपको मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इनको कोई पेमेंट नहीं होती, ये अपना ख़ुद काम करते हैं, इस रेडियो को चला रहे हैं, इसमें लिए गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें कोई पेमेंट नहीं है, लोकल कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। और उर्दू में आप ज़ाहिर कह लें फी सभी अल्लाह या वो फ्री विली, तो वेबसाइट है hamwatan.dk, वहाँ पर जाके आप जो है वो ऑडियो सुन सकते हैं। फेसबुक पे जो है आप हमें जो है वो लाइव देख सकते हैं, हम हमारे जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो आपको जो है फेसबुक पे मिलेंगे, पुराने भी और आने वाले भी जो प्रोग्राम है वो भी हम वहाँ पे लाइव करते हैं। तो जो हमारे प्रोग्राम स्टूडियो से लाइव हो रहे होते हैं वही जो है वो फेसबुक पे जो है वो हम लाइव कर रहे होते हैं। फेसबुक पे कोपेनहेगन में भी लोग देख रहे हैं, तो उनको भी चाहिए कि ये पाकिस्तानी कम्युनिटी का रेडियो है। जाहिर है जब तक आप कोऑपरेटिव नहीं करेंगे तो ये एक इंसान क्या कर सकता है, तो ये तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये कि जब तक आप एफर्ट नहीं करेंगे वो पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे जो है उसे भी चाहिए और हमारे जो और दुनिया में हमें और लोकल रेडियो है ये और यहाँ पे इनका स्टूडियो है। इसमें भी पहले तो हमने वहाँ कंट्रोल रूम में बात की थी, आप स्टूडियो में भी इनसे बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे होस्ट जो हैं वो आके बैठते हैं और तो प्रोग्राम करते हैं जो है। पहले हमारे पास जो आपको दिखाता हूँ इस तरह के जो है वो बड़े बड़े प्रोफेशनल जो हैं वो रेडियो के माइक जिसको आप कहते हैं वो होते थे, लेकिन जब हम कैमरे पे काम करते हैं वो आप भी बखूबी जानते हैं कि जब चेहरा आपका छुपा हो तो फिर उसको देखने का जो है वो मज़ा नहीं आता, तो उसके लिए फिर जो है हमने ये छोटे से जो क्लिप माइक हैं उनको वो लिए। तो उसमें हमारे साथ जो हैं वो इटली से हमारे भाई हैं, भाई फियास, वो कोऑपरेट करते हैं नई दुनिया के साथ, उनका न्यूज़ चैनल है और रेडियो हमवतन, हम मिलके जो है एक मिला जुला प्रोग्राम करते हैं। तो हम जो अपनी तस्वीर जो है उनको भेजते हैं, आप जो है फेसबुक पे जब आप देखते हैं तो उसके पीछे एक स्टूडियो बना होता है, लेकिन अभी आपको वो स्टूडियो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उसके पीछे ग्रीन स्क्रीन लगी है और फियाज भाई जो हैं उसको तैयार करके आपके लिए जो है वो फेसबुक पे लगाते हैं। तो हार्ड काम जो है वो आप जिसका जिसकी आप बात कर रहे थे, तो हर काम मुश्किल होता है जी, तो ये है कि मेहनत लगती है और अगर आप वाकई दिल से काम करना चाहें उनसे भी है और ज़ाहिर तमाम दुनिया में जो लोग उर्दू बोलने वाले हैं या ख़ासतौर पर पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं, तो ये पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए रेडियो ये बनाई है और काफ़ी अरसे से पहला रेडियो यही था जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, गलत भी हो सकती हैं लेकिन करेक्ट करेंगे आप। नहीं बिल्कुल जी, डेनमार्क में जो है सबसे पहला रेडियो जो है पाकिस्तानियों का वो रेडियो हम बताना है जी, तो ये सबसे पहला रेडियो और जैसे आपको बताया 1985 में इसकी नशरियात शुरू हुई थी और इसको सुना जाता था और उसमें बहुत से प्रोग्राम हुए, बच्चों के लिए बहुत अरसा प्रोग्राम हुआ, फिर उसके बाद आपको जैसे रजा साहब ने कंट्रोल रूम में बताया था कि कोविड की वजह से ज़ाहिर है बच्चों का प्रोग्राम और कुछ दूसरे प्रोग्राम जो है इन्होंने वो आर्जी तौर पे रोके हुए हैं, उसके बाद ही शुरू कर देंगे। और स्टूडियो में इनका ज़ाहिर है कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोग्राम होते हैं और ये सेटिंग ज़ाहिर है जैसे बता रहे हैं कि इस तरह सेटिंग करते हैं उसके बाद दूसरी सेटिंग करते हैं, वो इनको करना पड़ता है। सब भी हैं, शौकत साहब हैं इनके, वो बहुत अच्छे बहुत ही प्यारे अंदाज में वो प्रोग्राम करते हैं, ख़ुद इनका अपना अंदाज़ बहुत अच्छा है और मेरा मकसद तारीफ़ें करने नहीं है इनकी, मैं आप लोगों को जो हकीकत है वो बता रहा हूँ, आप लोगों को ख़ुद पता है। यहाँ हमें यूरोप में हम टूटी फूटी बात नहीं करते हैं या जो है मुँह के सामने और आगे और पीछे वो इस तरह की बातें हम नहीं करते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं
और आप लोगों को भी खुद पता है, आप लोग अगर रेडियो हमवतन सुनते होंगे तो आप लोगों को खुद ही इस बात का पता है कि ये रेडियो कैसे चलाया जाता है और उसके प्रोग्राम कैसे होते हैं, बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं। एक दो सवाल रजा साहब से करूँगा, जाहिर है इनका टाइम मैंने लिया बहुत ज़्यादा, ये अपने ओवर टाइम में ये मुझे इंटरव्यू करवा रहे हैं, इनका जो स्टूडियो का टाइम है वो ख़त्म हो चुका है, इनके प्रोग्राम के टाइम ख़त्म हो चुके हैं, फैमिली वाले बंदे हैं, इन्होंने घर में भी जाना है, अपने काम भी करने हैं, और यहाँ पे आपको पता है कि शॉपिंग भी खुद ही करनी है, यहाँ भी जाना है, इधर भी घर में भी जाना है और काफ़ी काम करने हैं, वो इन्होंने सारे काम करने हैं, उसके बाद ये एक्स्ट्रा टाइम मुझे दे रहे हैं, क्योंकि मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी कि ज़ाहिर मैंने वीडियो बनानी है तो उसके लिए मुझे टाइम दे, तो ये अपना एक्स्ट्रा रेडियो के बाद ये थक चुके हैं, 5-6 घंटे काम कर, समझते हैं कि आप जो ये रेडियो का आपने क्यों इसको चूज़ किया, हार्ड काम है ये तो। जिस तरह मैं आपको पहले वहाँ पे बता रहा था कि रेडियो को चूज़ करने का कि मीडिया में कितनी पावर है, कि मीडिया एक यानी हम एक टाइम पे कितने हज़ारों लोगों तक जो अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं, जिस तरह अभी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ये जब देखेंगे लोग तो हज़ारों की तादाद में देखेंगे, हम दो बंदे बैठे हैं, लेकिन अगर यही हम एक एक आदमी को रोड पे जाके वो बात अपनी बताना चाहें जी तो कितना टाइम लगेगा। तो ये है कि हम अपना मैसेज जो है बहुत शॉर्ट टाइम में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं अपने लोगों तक, तो यही मकसद है कि और बड़ी खुशी होती है अपने जो लोगों तक का मुख्तलिफ जहाँ पे जो इवेंट्स होते हैं वहाँ पे जाना, लोगों के साथ जो मेहमान पाकिस्तान से आना सियासी या समाजी या किसी हवाले से भी, तो उनके साथ गुफ्तगू करना, जाके मिलना, एक सोशल गैदरिंग आपकी जो होती है वो तो काफ़ी जो है उसमें आप इन्फ्लुएंस करते हैं, जब आप किसी पॉलिटिशियन को अपने स्टूडियो में बुलाते हैं या उसके पास जाके कुछ सवाल करते हैं तो उनको भी एक एहसास होता है कि कुछ ये लोग भी या और लोग भी या उनकी सोच जो है वो क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं, तो ये काफ़ी चीज़ें उसमें के जो आप मीडिया में क्यों आते हैं या क्या काम करना चाहते हैं, तो मुझे जो है वो बड़ी खुशी होती है और एक शौक भी है, तो इसलिए जो है वो मज़ा भी आता है यहाँ पे आके हर इतवार को जो है प्रोग्राम करने में। मुझे याद है और मेरी इन्फो के लिए इन्होंने पूरा दिन उनके पीछे जाते रहे, फिर उसके बाद इनको रात को पता नहीं कितने बजे तक टाइम मिला था, तो इन्होंने जाहिर है जैसे ये बता रहे हैं इनको शौक है तब ये काम कर रहे हैं, और आसान नहीं है कि पूरा दिन यहाँ पे इंतज़ार करें और उसके बाद पता नहीं आधी रात को या पता नहीं इधर मिड नाइट में इन्होंने जाके उनसे इंटरव्यू किया था, और फिर उसके बाद उनको लोगों को तो आम थोड़ा सा कोई सिंपल बात लगी कि भैया उसका इंटरव्यू आ गया, इन्होंने कर लिया, लेकिन उसके लिए इन्होंने कितनी मेहनत की है मुझे उसका पता था, हालांकि इनको ये नहीं पता कि लोगों को भी पता, लेकिन इन्फॉर्मेशन रखते हैं लोग, और यहाँ हमारे जो कोपेनहेगन में रहने वाले हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी वो भी इस चीज़ को बखूबी समझते हैं और वो देखते भी हैं और सुनते भी हैं सारे, तो आप अपनी राय दिया करें, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, वो कोई आप पे वो यहाँ पे यहाँ तो आप ओपन है, सब बात कर सकते हैं। अच्छा आप जो बात कर रहे हैं ना कि लोग कॉल करें और अपना हिस्सा लें उसमें, तो मैं अक्सर जो है गाड़ी में आते जाते जो है वो डेनिश रेडियो पेज का ही जो है वो काफ़ी सुनता हूँ जी, तो उसमें उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम रखे हैं जिसमें वो लोगों की कॉलें भी लेते हैं, लोगों के SMS भी लेते हैं, और जबकि आप DR रेडियो जो स्पेशली जो जिनको वहाँ पे तनख्वाह मिलती है, वहाँ पे एक टेक्नीशियन बैठा होता है, एक प्रोड्यूसर बैठा होता है और जो होस्ट हैं वो अलग होते हैं, यानी वो एक पूरी टीम बहुत बड़ा बनाया हुआ है, जबकि हम यहाँ पे एक ही बंदा जो है वो प्रोड्यूसर भी है, वो कोऑर्डिनेटर भी है, वो आपका टेक्नीशियन भी है, यानी सारे काम उसी ने जो है करना, लेकिन जब वो प्रोग्राम सुनते हैं तो उसमें लोग जब कॉल करते हैं या SMS लिखते हैं तो उसमें बड़ा मज़ा आता है वो सुनने का भी कि लोग क्या सोच रहे हैं, अपनी राय देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों में शायद एक या तो होता है कि जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, ठीक है कि आप अपनी राय उसमें नहीं रखते कि जो बात हो रही है वो ठीक है, दूसरा होता है कि अगर आप अपनी राय रखते भी हैं लेकिन आप शायद झिझकते हैं अपनी बात बताने में, अपनी सोच जाहिर करने में, या आप अपनी आवाज़ सुनने से डरते हैं, या आप इस चीज़ से डरते हैं कि लोग जो हैं वो मेरी आवाज़ सुन के मुझे बाद में बताएंगे कि हमने जी आपकी आवाज़ सुन ली, तो ये कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जिसमें जो है, या आप ये भी है हो सकता है कि आपकी उस बारे में कोई राय ना हो, लेकिन ये है कि अपना हिस्सा जो है वो ज़रूर डाला करें, जब कभी कभी अपनी कोई गाने की फरमाइश या कोई नात कवाली या कुछ कुछ भी हो, कभी कोई बात कर दी, कोई लतीफ़ा भेज दिया,
एनी टाइम आप जो है हमें भेज सकते हैं रेडियो स्नेपलाई हम वतन फंक्शन टेक ओवर पे। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हैं उर्दू बोलने वाले पाकिस्तान में या किसी भी दुनिया के हिस्से में रहते हैं आप इनको मेल कर सकते हैं। डिजिटल वर्ल्ड ज़माना है ये, इसमें आप मेल कर सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं, SMS कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक इनकी ओपन रहती है, उसमें आप मैसेज दे सकते हैं। डिपेंड करता है आप लोगों पे। आप अगर अच्छा समझते हैं इसको तो आप जाहिर है ज़रूर इनको कॉन्टेक्ट करेंगे। और ये यहाँ पे कोपेनहेगन में जाहिर है पहला, जैसे आपको पता है, रेडियो स्टेशन शुरू हुआ था और जाहिर अब तक है और ये काम कर रहे हैं, अपना एफर्ट कर रहे हैं। जाहिर है जितनी मेरे ख्याल में इनका मैंने जो नोट किया, एक बंदे ने एफर्ट इतनी की है कि माशाल्लाह अच्छी एफर्ट है इनकी। और मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूँ, आपका रेडियो हमवतन इसका लोकल कम्युनिटी है उनका के लिए पाकिस्तान में भी आप देख सकते हैं इसको, और ऐप भी इन्होंने बता दिया है और कंट्रोल रूम में इन्होंने उसका आपको और फेसबुक का भी बता दिया है। तो आप उनको मैसेज करें और देख लें। और हमारी वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि हम मीडिया के थ्रू आपको ये मैसेज दें। वैसे अगर आप एनालाइज करें तो रेडियो जो है दुनिया में 85% सुना जाता है, सबसे ज़्यादा रेडियो इस्तेमाल होता है आज तक, यानी आजकल के मॉडर्न दौर में जो मीडिया जितना भी इस्तेमाल हो रहा है उसमें रेडियो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ये रिसर्च है मेरी, आप रिसर्च गूगल में जाके कर भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके इनसे इंटरव्यू करके, और इनका रेडियो भी जाहिर है जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं अपना, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। उनके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं और जाहिर है आइंदा मेरी कोशिश होगी कि आइंदा के वीडियोज़ में इनके जो इनकी जो टीम है, जाहिर हेड तो ये हैं, इन्हीं से बात करनी थी मैंने, रेडियो के मुताबिक यही बता सकते हैं, लेकिन इनकी टीम जो होगी अगर वो विश करेंगे या चाहेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे यूरोप में ये होता है कि आप किसी को, पाकिस्तानी सिस्टम नहीं है कि आप किसी के जाके खुद ही प्रोग्राम शुरू कर दें, उससे सवालात कर लें, उससे पहले बात करनी पड़ती है, उससे पूछना पड़ता है कि आपसे हम क्या बात करें। ये जाहिर है ये तो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, अगर आप किसी डेनिश से जाके इस तरह बात करेंगे अचानक या उससे कोई ऐसे सवालात करेंगे तो आप पे केस भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये हमारी, हमें जाहिर है अब वसी सोच करनी चाहिए। हमने जाहिर है यहाँ पे आके पाकिस्तान के जो अच्छी चीज़ें, कोई भी मुल्क, हम किसी मुल्क को बुरा नहीं कहते, हर मुल्क जाहिर है उसमें खूबियाँ भी हैं और खामियाँ भी हैं, लेकिन जाहिर है हम यहाँ की खूबियों को हमने देखा है और अपनाया और उससे हमें फ़ायदा हुआ है। और अगर यही ज़ाहिर हम अपने मुल्कों में भी इस्तेमाल करें तो हमें इससे फ़ायदा होगा। अब यहाँ देखें कोई मसला नहीं है किसी का पेमेंट का, तनख्वाह का, या रेडियो ज़ाहिर अपना काम करते हैं, ज़ाहिर हार्ड वर्क कर रहे हैं वो अपना, लेकिन उसके बावजूद भी अपना वो और काम भी कर सकते हैं यहाँ पे, जबकि दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं होता। बाकायदा रेडियो होते हैं, उनको गवर्नमेंट एड देती है, इन्हें गवर्नमेंट कोई एड नहीं दे रही। आप ये ना समझें कि इनको गवर्नमेंट कोई एड देती है और ये इस तरह भागे भागे आते हैं, नहीं, यहाँ पे ये हार्ड जॉब है और बहुत दिलेराना काम है, बोल्ड काम है। और ये जाहिर है अप्रिशिएट आप लोग करें या ना करें, जाहिर है हम तो मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है कि अगर ये अच्छा कोई काम करता है तो उसका सिला इंसान नहीं दे सकता, अल्लाह ताला देते हैं। तो इनको जाहिर है अल्लाह ताला इसका सिला देंगे और ये अच्छे काम कर रहे हैं, और जाहिर अच्छे काम का फ़ायदा ही होता है, नुकसान कभी नहीं होता। आपसे बहुत खुशी।